आज हम जान लेते हैं आरएस प्री एग्जाम और आरएस मेंस एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ खबरें। देखो क्या होता है, हाई कोर्ट की एकल पीठ का जो फैसला आया था उसमें ये कहा गया था आरएस प्री का परिणाम दोबारा जारी किया जाएगा 5 प्रश्नों को लेकर, है ना, कमेटी गठित की जाएगी। लेकिन क्या होता है, आरपीएससी जाती है डीबी में, डबल बेंच में जाती है, और डबल बेंच में जो आरएस प्री का परिणाम दोबारा जारी करने की बात थी उस पर लग जाता है स्टे, ठीक है, उस पर स्टे लग गया। अब क्या होगा, आरपीएससी क्या परिणाम जारी नहीं करेगी? देखो अभी तक तो यही है, आरपीएससी दोबारा परिणाम जारी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक जो कमेटी गठित करी गई है ना उसकी 4 हफ्ते में रिपोर्ट देनी बाकी है। यानी अभी तक ऐसा नहीं है कि भाई कमेटी गठित नहीं करेंगे, हाँ कमेटी गठित करेंगे और 4 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। लेकिन इस बीच में क्या होता है, आरएएस का जो एग्जाम है मेंस का, वो घोषित करने की डेट आ जाती है 20 और 21 मार्च को, है ना। पहले 2 या 3 महीने आगे बढ़ाने की बात चल रही थी लेकिन नहीं बढ़ाई है, आरपीएससी ने साफ कर दिया कि हम एग्जाम टाइम पे करवाएंगे। अब आरपीएससी को फटकार भी लगी है, पेपर जो बनाते हैं ना प्री का उस हिसाब से, उन्होंने जो डबल बेंच है ना उसने ये कहा है कि सवाल ज्यादा टेक्निकल न रखे, ऐसे सवाल रखे जिनके जवाब सीधे हो और गफलत न हो। या कि एग्जाम है ना, एग्जाम तिथि पे ही होगा, अब 20 और 21 मार्च को आपको एग्जाम होना है और अब ये तिथि है आगे जाने वाली नहीं है, किसी भी हालत के अंदर आपको तैयारी इसी एग्जाम की डेट को मान के करनी है।